नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नीम के फूल, नीम के फूल नीम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नीम का पेड़ तो आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, लेकिन इसके फ़ायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे इतने ज़्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नज़र लगी हो, किसी ने बुरी नज़र लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज़्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, तो नीम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नीम के फूलों का इस्तेमाल काफ़ी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफ़ी लोगों के साथ यूँ होता है कि कोई न कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव के चलते हुए कि आप आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी हुआ रहना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना यानी कि बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और ये सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं नीम के फूलों का, नीम के पेड़ का, नीम के पत्तों का, क्योंकि ये पूरा पेड़ ही काफ़ी ज़्यादा, एक तो इसकी रामबाण औषधि, इसे देखा जाता है रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारे के लिए, बुद्धि बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहा करें। और बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हुआ करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यूं लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है, जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती हो, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नीम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो, आपको यूं लगता हो कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है। और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं, तो इसीलिए ये उपाय आपको बताया जा रहा है, ये प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है, जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, लेकिन जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदों को भी खुद ही एक ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज़्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है, बल्कि उसकी आंखों में इस प्रकार का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, रोज एक माला, पांच माला, बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस प्रयोग में हमने आपको बताया है कि पीपल का पत्ता लेना है, 8 काली मिर्च लेनी है, नीम के जो पत्ते होते हैं वो भी 8 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 8 की संख्या में 8 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 8 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाएं। इन्हीं सारी चीज़ों से आपको प्रयोग करना है। ये सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ़ सुथरा आप कर लें, उस पर 8 जो नीम के पत्ते हैं वो भी रख दें, 8 काली मिर्च रख दें और 8 जो गुच्छे हैं वो भी उस पर रख दें, और एक घी का दीपक जलाकर ये जो आपने पत्तों पर चीज़ें रखी हैं इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है और महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है
और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, ये आपको वहीं रखे रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप ये जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है, रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी ये खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धि बंदी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी ये प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और ये प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज़्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना प्रभाव होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है वो बिल्कुल भली भांति इस प्रकार जानता है कि उसके ऊर्जा कितनी शरीर में बढ़ी हुई होती है, और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है, और अपने जीवन में हर एक चीज़ की प्राप्ति करता है। अब काफ़ी लोग यूँ होते हैं कि मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, और फिर वह यूँ सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने ज़माने में ये देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष छोड़ते थे, बल्कि जितने भी ये योद्धा होते थे, जितने भी होते थे, वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे, और छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी प्रकार से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं, और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निस्संदेह प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप मंत्र का जाप नहीं करते हैं, ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है ये तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो जो समस्याएं हमने आपको बता दी है उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। ये या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको ये समस्या हो उसके लिए ये भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। लगातार मात्र 21 दिन अगर ये प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में आता है तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें अच्छी तरह से, बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, पूरे काफ़ी सारे आपको लेने होंगे जब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकाल कर भोजपत्र पर आपको शत्रु का नाम लिखना है और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। ये बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का, घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अगर आपका शत्रु काफ़ी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है तो अधिक से अधिक 108 दिन तक ये प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं, 108 दिन भी चुन सकते हैं, जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, ये मंत्र को लिखा है, इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है। खासकर जहाँ पर आप ये देखें कि वहाँ पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहाँ पर आप इसे रख कर आ जाएं, पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वो आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं तो वो रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा, आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा, आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि नीम के फूलों का इस्तेमाल धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, वशीकरण के लिए भी किया जाता है, सम्मोहन तक के लिए भी किया जाता है और काफ़ी सारी और भी साधनाओं में, जैसे यक्षिणी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है,
इन साधनाओं में भी, भैरव साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पितरों की साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पितर आपके रुष्ट हैं, आपके घर का साथ नहीं देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो इस नीम के फूलों का इस्तेमाल उन साधनाओं में भी किया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कमेंट में नेक्स्ट नीम वीडियो जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा, तो हम जल्दी वीडियो उसके बारे में बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। और कौन कौन सी समस्याओं में या किसी साधना के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हर हर महादेव।